पुलिस प्रदेश में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। शिमला के डाउनडेल क्षेत्र में एक झुग्गी से पुलिस ने 378 ग्राम चिट्टा और 33,350 रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। आए दिन पुलिस नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा रही है, लेकिन बावजूद इसके नशे का ये काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिमला पुलिस ने भी नशे के खिलाफ चलाए अभियान के तहत शिमला के डाउनटेल से एक झुग्गी से चिट्टा बरामद किया है। मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि डाउनडेल क्षेत्र में झुग्गी में रहने वाले लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 378 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं 33,350 रुपए कैश भी बरामद किया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चिट्टे के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है पुलिस की, शिमला पुलिस की, और उसी सिलसिले में हमारे लोग जो हमारी टीम जो थी वो लगी हुई थी, और इस दौरान ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिली थी कि यहाँ पे डाउनडेल में ये जो झुग्गियों और ढारों में लोग रहते हैं ये चिट्टे का काम करते हैं, तो इनके खिलाफ हम लगातार लगे हुए थे। तो पिछले कल हमारे लोगों को इसमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और 378 ग्राम चिट्टा जो है वो एक ढारे से मिला है, जो कोई सीमा है जो जिन्हें हमने अरेस्ट किया है, और उनकी बेटी है और उनका दामाद है जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट थे, और ये तीनों गिरफ्तार हैं। नकदी भी बरामद हुई है सर, कितने नकदी है? हाँ, नकदी भी तलाशी के दौरान इनके इसी ढारे से करीब 33,350 रुपये जो नकदी भी मिली है, और वो भी हमने कब्जे में ली है। किन धारों के तहत इन पर केस दर्ज किए? ये एनडीपीएस के एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो है ये केस रजिस्टर किया गया है। किस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी? सूचना तो वैसे जनरल हमारे पास मतलब इनपुट थे कि यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ 2-3 केसेस एनडीपीएस में दिए रखे हैं, तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे जो यहाँ जो रहते हैं ये लोग, जो ढारों में और झुग्गी में रहने वाले लोग जो हैं ये नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम इनके खिलाफ लगे हुए थे और कल हमें काफी बड़ी सफलता मिली है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।